आज एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं। सो आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको VN वीडियो एडिटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन कर रखा है, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अब आपको यहाँ पर बीच में प्लस का आइकन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन अब आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ पर दो रील्स वीडियो देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो रील्स वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो भी रील्स वीडियो डाउनलोड करके एडिटिंग करना चाहते हो उस रील्स वीडियो को वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको रील्स वीडियो डाउनलोड नहीं करने आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि रील्स वीडियो डाउनलोड कैसे किया जाता है। देन अब हम लोग उस रील्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी रील्स हमको एडिटिंग करना है, जो हमने डाउनलोड किया है। उसके बाद इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको आना है सबसे एंड में। एंड में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस वीडियो का म्यूजिक को एक्सपोर्ट करना है। सो साउंड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इसको स्लाइड करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका जो ऑडियो होगा इस वीडियो में आ जाएगा। अब आपको इस वीडियो का ऑडियो यहाँ से म्यूट कर देना है। अब आपको इस वीडियो को कट करना है। सो कट करने के लिए आपको यहाँ पर 3.80 सेकेंड पर आना है और इस वीडियो को यहाँ पर कट करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3.80 सेकेंड पर हम आ चुके हैं एंड अपने वीडियो को कट करेंगे। कट करने के लिए स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो यहाँ पर दो पार्ट में कट हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, देन हम लोग रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमको जो भी वीडियो ऐड करना है उस वीडियो को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सो आपको जो भी वीडियो ऐड करना है उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहां से अपने वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहां पर हमारा वीडियो आ चुका है। अब आपको बीच में जो प्लस का आइकन देखने को मिला, आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, देन ब्लैक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दोगे। अब आपका जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से एडिटिंग हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडिटिंग हो चुका है। बट हमने इस वीडियो में पहले से ही स्लो मोशन ऐड करके रखा है। अगर आपको इसमें स्लो मोशन ऐड करना है तो आप लोग आ जाएंगे बीच में एंड यहाँ पर नीचे स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे एंड आपको जहाँ भी स्लो मोशन करना है वहाँ अपने इस पैराग्राफ को नीचे की तरफ स्लाइड कर देना है। जितना नीचे स्लाइड करोगे आपका वीडियो उतना ही यहाँ पर स्लो होता चला जाएगा। एंड आपको पूरे वीडियो को स्लो करना है तो आप लोग रेगुलर पर आएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करके पूरे वीडियो को आप लोग स्लो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्लो मोशन वीडियो भी इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आपको VN वीडियो एडिटर ऐप में वीडियो एडिट नहीं करने आता है अच्छे तरीके से आप लोग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पर VN वीडियो एडिटर का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख कर सीख सकते हो कि VN ऐप में कैसे हम लोग वीडियो एडिट कर सकते हैं। एंड आपको स्लो मोशन वीडियो ऐड करना नहीं आता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर स्लो मोशन वीडियो एडिट करना भी सीख सकते हो। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रील्स वीडियो एडिटिंग कैसा लगा। एंड आपको ये रील्स वीडियो एडिटिंग अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अब इस वीडियो को गैलरी में लेकर जाने के लिए आपको ऊपर इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आपका 100% हो जाएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा।